रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक हफ़्ते से मेरे पेपर थे, मैंने अपना ब्लॉग तो बना लिया था पहले दिन में ही, लेकिन अपलोड ना थोड़ी देर से किया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पेपर की वजह से। आपको पता है बोर्ड के पेपर कैसे होते हैं। बोर्ड के पेपर की वजह से ना मैं सुबह स्कूल जाता था और स्कूल में 9:30 बजे एंट्री करते थे, चेकिंग होती थी, ये वो जो बोर्ड के पेपर होते हैं मैट्रिक के। मैं मैट्रिक क्लास में हूँ, आप लोगों को पता है कैसे बोर्ड के पेपर होते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि मैं सुबह स्कूल जाता था, 12:00 1 बजे में 1 बजे में घर आता था वापस, तो मैं 2 बजे सो जाता था खाना खा के फ्रेश होके। शाम को 4:30 बजे फिर से 3:30 बजे फिर से सेंटर जाना पड़ता था, 5 बजे वापस आता था घर। तो मुझे ना टाइम नहीं मिलता था वीडियो बनाने के लिए, मैं थक भी जाता था इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाता था। आज संडे तो मैंने आज बना लिया और मंडे को मेरा लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर वो भी किसका है, पाकिस्तान स्टडी का। सोच गई ना मेरे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों यार, वो पाकिस्तान स्टडी ना वो बहुत ज़्यादा बड़े, उसके शॉर्ट आंसर है ना वो 2-3 पेज के एक हैं। मैं उसको बस थोड़ा सा सोच के ना दिल घबरा रहा है, बस लास्ट पेपर गुजर जाए। वो भी आज का दिन भी नहीं गुजरा, बस लास्ट पेपर जैसे तैसे गुजर जाए ना फिर उसके बाद आज़ादी है। और कल का व्लॉग अगर मैं इसके साथ अटैच करूँगा, अगर ये वाला व्लॉग थोड़ा लेंथी हो गया तो उसको यहीं एंड कर दूँगा, अगर नहीं हुआ तो उसके साथ ना मैं अटैच करके या उसको 2 पार्ट बना लूँगा, देखते हैं क्या बनता है आगे। ये रे ब्लैक की और ओरियो, ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। और ये जो वाइट कलर का था ना ये भी कितना बड़ा हो गया। इसके साथ ये ब्लैक वाला भी है, ये जंगली का बच्चा है। तो जो पहले था ना जंगली का बच्चा हमारे पास आया था, मेरे भाई के पास आया, तो उसने बोला कि तुम्हारे पास है तुम उसके साथ देखो उसको रखो, जंगली है, उसको मैं पाल पोस के बड़ा करूँगा, मेरे पास नहीं रहेगा। तो इसलिए उसके जो है ना घोंसले से नीचे गिर गया था, मेरे भाई ने उठा लिया उसका घोंसला, पता नहीं रोड में नीचे पड़ा हुआ था, मेरे भाई ने उठा लिया। तो मैंने बोला मुझे तो मेरे घर में एक ये कबूतर भी पड़ा हुआ है तो उसके साथ मैं रख लूँगा। जो इसके साथ एक वाइट कलर का पड़ा था ना वो मैंने दे दिया किसी को, क्योंकि उसको मैं ना नहीं पाल सकता था। और हमारा जो तितर है ना वो भी गुम हो गया है। और एक और बात बताऊँ, ये जो है ना इसने ना अंडे दिए हुए और इसका मेल है ना वो गुम हो गया है। इसने अंडे दिए हुए थे, इसका मेल उधर से उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, इन्हें इधर एग में बैठी हुई है। इसको ना इसको बाहर निकाल के फिर इसके एग दिखाता हूँ। स्नेक दी हुई इधर, अब पता नहीं बैठेगी कि नहीं बैठेगी, इसका मेल तो है नहीं। मैं आया हूँ बाहर, मुझे इधर ना फाल से पक्के हो गए, मैं इनको तोड़ क्योंकि मेरा 2-3 से ना खाने का इतना दिल कर रहा है। मैंने बाबा को बोला है, बाबा ना रोज़ भूल जाता है लेके नहीं आता, शुक्र है यहाँ भी हैं तो 1-2 खा लेता हूँ। इस तरफ इधर ये रहे, कच्चे हैं लेकिन हो जाएगा काम। और ये है इधर पापा है, मेरे ख्याल से ये पक्के हैं, इनको उतारे या नहीं उतारे, इनको मैं चेयर लेके आता हूँ फिर इनको चढ़ के ना चेक करते हैं। मैं चेयर लेके आया हूँ, अब इसको इधर रख के चेक करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, इधर कुछ समझ ही इधर हाथ नहीं पहुँचता मेरे ऊपर तक। इसके ऊपर ना चढ़ के फिर चेक करता हूँ कि पक्के हैं कि अभी तक कच्चे हैं। ये रहे, एक मिनट, मेरा हाथ नहीं जा रहा, मैं वीडियो बंद करके ना इनको चेक करके बताता हूँ, इनको चेक करके बताता हूँ। चेक किया लेकिन ये ऊपर है ना बहुत ज़्यादा, मेरा पाकिस्तानी जुगाड़, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, मैं 2-3 ईंट रख के इसको ऊपर चढ़ के मैंने इसको हाथ लगा के देगा, थोड़ा सा जोर देंगे ना तो उसे नरम लगेगा। वो तो पके गए हैं लेकिन बस 1-2 रहते हैं और उसके बाद पूरे से ये जो ऐसा अंजाम दिया है तो इसको ठीक करते हैं जगह में, ऐसे ही फेंक देता हूँ मैं, यहाँ रख देते हैं और इसको उठाते हैं
चलते हैं घर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हवा नॉर्मल है, ना गर्म है ना ठंडी है। दो दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हफ्स हुआ इस तरफ मेरा चेहरा नजर नहीं आता। दो तीन दिन से ना हफ्स था, वो अभी सूरज तेज़ है लेकिन हवा सूरज की वजह से हवा तेज़ है। चलते हैं वापस घर। मैं आया हूँ बाहर, मैं इन दोनों को भी साथ लेके आया हूँ। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो अगर आवाज़ नहीं आई तो मैं इसके ऊपर वॉइस कॉल कर दूँगा। इनको भी साथ लेके चलते हैं, वैसे भी ये भी घूम लेंगे। और हमारे यहाँ तो यहाँ बैठ गया हूँ और इधर ना मैंने इनको क्या छोड़ दिया। करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, रोज़ व्लॉग बनाओ, डेली व्लॉग तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा हो रही है यार। इधर मेरी आवाज़ आ भी रही है पता नहीं, इसलिए ना मैंने इधर अपने हैंड फ्री लगा लिए, शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही। अगर हवा की आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना, और कुछ नहीं है। इधर बैठा हूँ और शाम को आता हूँ, वैसे नॉर्मल आता हूँ लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। दिल भी नहीं करता बस घर में बैठे रहो, पेपर के बाद तो बिल्कुल भी वो होता है ना, क्या वो पेपर देखिए और फिर पता थक जाता है। कब से एक जगह बैठे रहो, बोर्ड के पेपर पता नहीं कैसे होते हैं, और स्कूल के पेपर हो 8-7 के पेपर हों तो फिर भी समझ आता है यार वह पेपर था, पेपर देखे आए वो उसके छोटे छोटे सवाल होते हैं। बोर्ड के पेपर का अलग ही स्वैग है ब्रो, वहाँ जाओ खुआरी खज्जल सब होता है उसके साथ। खैर जो होगा देखा जाएगा, बस का लास्ट पेपर है फिर हम, मैं इसका एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा, इसको बस छोटा सा है, बड़ा हो जितना भी हो बस इसको मैं यहीं एंड कर लूँगा। और क्या बोलते हैं, हाँ कल जाएंगे, मार्कर लेके जाऊंगा मैं, मेरे पास परमानेंट मार्कर पड़ा हुआ है, मैंने अपने पास रख लिया था। सेकंड लास्ट पेपर था ना जो उधर ना, मैं साइन कर लिए थे, आधे साइन कर लिए थे, जो आधा पेपर है ना पेपर के बाद जो होगा फिर वो देखा जाएगा। अब मेरे क्लास वालों पता नहीं क्यों छोड़ नहीं रहे थे साइन करने के लिए, फिर शुरुआत है ना वो मैंने की थी, मैंने उसको साइन की, फिर चले यार उसके दिलशाद के पास, दिलशाद को की, वासिफ को की, ऐसे करके कर ना हमने सबको की, बाकी आधे थे ना आधों ने नहीं छोड़ा, उन्हें बोला कि लास्ट पेपर आज पेपर है, अंतर नहीं जानने के, हमने पूरा काला मुंह कर दिया था। कि वीडियो यहीं तक थी, अगर मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।